नमस्कार, मैं अनुपमा झा, A1 न्यूज में आपका स्वागत है। आइए बात करते हैं कुछ राष्ट्रीय खबरों की। इस साल सार्क सम्मेलन में भाग लेने गृह मंत्री राजनाथ सिंह 3 अगस्त को पाकिस्तान के इस्लामाबाद जाएंगे। जम्मू कश्मीर में बढ़ते तनाव और पठानकोट एयरबेस पर हमले के बाद किसी भी केंद्रीय मंत्री का ये पहला पाकिस्तान दौरा है। सार्क में भारत की हमेशा से ही बड़ी भूमिका रही है। पड़ोसी देशों के साथ बातचीत और सहयोग को कायम रखने के लिए भारत सरकार सार्क के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभा रही है। खबर के मुताबिक गृह मंत्री 2 दिन के लिए पाकिस्तान जाएंगे। इस दौरान राजनाथ सिंह और पाकिस्तान की नवाज शरीफ सरकार के बीच द्विपक्षीय बातचीत होने की संभावना है। आपको बता दें कि पिछले दिनों पाकिस्तान ने हिजबुल मुजाहिदीन आतंकी बुरहान को शहीद बताया था। उसके मारे जाने पर ब्लैक डे का भी आयोजन और कश्मीर घाटी में भड़काने का काम किया गया था। मोदी सरकार ने GST बिल में कुछ प्रमुख बदलावों को बुधवार को मंजूरी दी। राज्यों को 1% अतिरिक्त विनिर्माण कर लगाने संबंधी प्रावधान हटा लिया गया। GST अमल में आने के पहले 5 साल के दौरान राज्यों को राजस्व नुकसान की भरपाई की गारंटी पर भी कैबिनेट ने मोहर लगा दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को ही कैबिनेट की बैठक में ये फैसला लिया गया। GST बिल में ये भी प्रावधान किया जाएगा कि इसके लागू होने पर केंद्र और राज्यों के बीच विवाद की सूरत में GST परिषद में मामला जाएगा और वही फैसला करेगी। दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल ने मोदी सरकार पर बड़ा हमला किया है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार बौखला गई है, ये सरकार उन्हें मरवा भी सकती है। बता दें कि सोशल मीडिया पर उन्होंने एक वीडियो जारी कर ये भड़ास PM मोदी पर निकाली। उन्होंने आप वॉलंटियर्स और अपने विधायकों से कहा कि ये हमें मरवा भी सकते हैं। जेल तो छोटी चीज है, कुर्बानी देनी है तो ही आप में रहिए, वरना कुछ समय के लिए छोड़ दीजिए। साथ ही केजरीवाल ने ये भी कहा कि PM मोदी और अमित शाह आप विधायक के घर आयकर का रेट डलवा रहे हैं और उन्हें इसका मतलब नहीं समझ आ रहा। संसद भवन परिसर का वीडियो बनाकर विवादों में घिरे आम आदमी पार्टी के सांसद भगवंत मान की गुरुवार को लोकसभा कमेटी के सामने पेशी होगी। इसके चलते लोकसभा की जांच कमेटी ने वकील के साथ सफाई पेश करने की भगवंत मान की अर्जी नामंजूर कर दी है। गौरतलब है कि भगवंत मान की ओर से संसद भवन परिसर के संबंध में बनाए गए विवादास्पद वीडियो के मामले की जांच के लिए लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने सोमवार को 9 सदस्यीय एक समिति का गठन किया। जांच कमेटी की पिछली बैठक में BJP सांसद किरीट सोमैया ने माना कि भगवंत मान की हरकत से सांसद की सुरक्षा से खिलवाड़ हुआ है। शीला दीक्षित के बेटे और कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष अजय माकन पर निशाना साधते हुए कहा, दिल्ली में अजय माकन ने राजनीति की है लेकिन वो जमीनी स्तर के नेता नहीं है। दीक्षित ने कहा, अजय माकन हमेशा ऊपर के लोगों का नाम इस्तेमाल करके राजनीति करते हैं, वो कभी जमीनी नेता के रूप में नहीं रहे, इसलिए उनका जुड़ाव लोगों से नहीं है। साथ ही दीक्षित ने कहा, यदि अजय माकन कुछ बने तो वह ऊपर के आशीर्वाद से ही बनेंगे। नहीं, नाराज राज यूं दिखते हैं कि साहब वो आ जाते हैं और गाड़ी में आते हैं, गाड़ी में बैठ के चले जाते हैं, जैसे कोई बड़े नेता के रूप में हो। तो हो सकता है माकन साहब समझते हो कि साहब मैं भी बहुत बड़ा नेता हूं, वो उनका अपना कल्चर है, उनका हमेशा रहा है। जहां तक बात करने की बात है, मैं आपको बताता हूं, 10 साल में सांसद था वो, बीच में UD मिनिस्टर भी थे, वो हम लोगों को ही फोन नहीं उठाया करते थे, क्योंकि उनका एक ये सोच समझ है कि भाई ऊपर बना के रखो। देखिए, कांग्रेस में एक जरूर बात है कि अगर आपका ऊपर में आपके पास पेट्रेज के लोग हैं या जो लोग हैं आपकी मदद करते हैं, ऐसे आपने 2-4 अपने जाल में फांस लिए तो फिर आपको बाकी किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपको टिकट मिल जाएगी, आपको ओहदा मिल जाएगा। तो हर पार्टी का में एक ऐसी चीज होती है, तो ये कुछ लोग इसको ज्यादा खूबी से कर पाते हैं, कुछ लोग साइकोफंसी में या चाटुकारिता में ज्यादा उस्ताद होते हैं, कुछ लोग हैं जो स्वाभिमान से जीते हैं, तो वही फर्क है। पिछले दिनों सुरक्षा बलों से मुठभेड़ में जम्मू कश्मीर के नौगाम से गिरफ्तार सैफुल्ला बहादुर अली ने कबूल किया है कि वह लश्कर का आतंकी है। गुरुवार को राष्ट्रीय जांच एजेंसी पूछताछ के लिए उसे दिल्ली लेकर आई, जहां उसने कई अहम खुलासे किए हैं। बताया जाता है कि पूछताछ में बहादुर अली ने साफ शब्दों में कहा कि वह सीमा पार से आया है और लाहौर का रहने वाला है। उसने अपनी उम्र 21 साल बताई है। उसे पूछताछ अभी भी जारी है। वहीं केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि जम्मू कश्मीर समेत भारत के अन्य हिस्सों में आतंकवादी घटनाओं के पीछे पाकिस्तान का हाथ है, यह साफ हो चुका है, इसके स्पष्ट सबूत भी मिल चुके हैं। उन्होंने कहा, अब तो पकड़े जाने पर आतंकवादी भी खुद ही बता देते हैं कि उन्हें ISIS ने भेजा है। मुंबई आतंकी हमलों के गुनहगार आतंकी हाफिज सईद ने कश्मीर में भड़की हिंसा को लेकर बड़ा बयान दिया है। हाफिज ने कहा कि कश्मीर में हुए हिंसा और विरोध की अगुवाई लश्कर का एक कमांडर कर रहा है। बता दें कि हमेशा खुद को लश्कर ए तैयबा से अलग बताने वाले हाफिज ने 26/11 हमलों के बाद पहली बार आतंकी संगठन के बारे में सार्वजनिक तौर पर कुछ कहा है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में लश्कर के बैन होने की वजह से हाफिज सईद हमेशा जमात उद दावा को खुद का संगठन बताते हुए
खुले तौर पर लश्कर से कनेक्शन होने की बात से इनकार करता रहा है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ का जमकर विरोध हो रहा है, जिस पर बीजेपी प्रवक्ता सिद्धार्थ नाथ सिंह ने पाकिस्तान पर बोलते हुए कहा कि पाकिस्तान के साथ वही हो रहा है जो उन लोगों ने भारत के साथ किया। उन्होंने कहा जो उंगली उठा रहे थे कश्मीर के अंदर, भारत के ऊपर आज वही मानव अधिकार चिल्ला चिल्ला कर पीओके में जवाब मांग रहे हैं। आपको बता दें कि सिंह ने आगे ये भी कहा कि भारत पर उंगली उठाने से पहले पाकिस्तान अपने गिरेवान में झांक ले। देखिए, कहावत है हिंदी में, जब मुंह ऊपर करके थूकोगे तो थूक तुम्हारे ऊपर गिरती है, और ये सही माने में नवाज शरीफ पे हो रहा है। जो उंगली उठा रहे थे कश्मीर के अंदर भारत के ऊपर, आज वही मानव अधिकार चिल्ला चिल्ला के पीओके में मुशर्रफ साहब से जवाब मांग रहे हैं। और लोकतंत्र की जो बात करने वाले नवाज शरीफ साहब हैं, उनको अब जवाब देना चाहिए कि किस प्रकार से आपने पीओके में रिगिंग करी और किस प्रकार से मानव अधिकारों का हनन हो रहा है, और भारत के बारे में उंगली उठाने से पहले अपने गरीबान में भी मुशर्रफ साहब और पाकिस्तान को देखना चाहिए। उसका जवाब देंगे तो फिर भारत से बातचीत करनी चाहिए। उत्तराखंड के चमोली जिले में चीनी सैनिकों के घुसपैठ पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री मणिशंकर अय्यर ने कहा कि उत्तराखंड में चीन के सैनिकों की घुसपैठ से देश को घबराना नहीं चाहिए, लेकिन कई स्तरों पर इस मामले को देख रही सरकार को इसे गंभीरता से लेना चाहिए। आपको बता दें कि चीन के सैनिकों ने 19 जुलाई को चमोली के बारहोटी इलाके में भारतीय सीमा में घुसपैठ किया, जिसके बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत ने इस घटनाक्रम को चिंताजनक बताया और उम्मीद जताई कि केंद्र चौकसी बढ़ाने के आग्रह पर संज्ञान लेगा। महिलाओं के मंदिर प्रवेश को लेकर आंदोलन कर चुकी सामाजिक कार्यकर्ता और भूमाता ब्रिगेड की अध्यक्ष तृप्ति देसाई एक बार फिर सुर्खियों में हैं। आपको बता दें कि उन्होंने शादी का झांसा देकर एक लड़की से कथित तौर पर रेप करने वाले एक युवक की चप्पलों से पिटाई कर दी। मामला शिकारपुर गांव के पास का है। यहां एक 25 साल के युवक ने झांसा देकर अपनी प्रेमिका के साथ संबंध बनाने के बाद शादी करने से इनकार कर दिया। इस मामले की जानकारी मिलने के बाद तृप्ति देसाई और उनके संगठन की एक अन्य सदस्य ने आरोपी लड़के की जमकर पिटाई कर दी। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने गुरुवार को व्हाइट हाउस की रेस में शामिल डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार हिलेरी क्लिंटन के लिए जोरदार आवाज उठाई। उन्होंने कहा कि हिलेरी में अपने प्रतिद्वंदियों रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप को हराकर अमेरिका की पहली राष्ट्रपति बनने की पूरी उम्मीद है। फिलाडेल्फिया में आयोजित कन्वेंशन में उन्होंने कहा कि हिलेरी के हाथों में ही अमेरिका सुरक्षित है, वह देश चलाने में सक्षम है, लेकिन डोनाल्ड के पास देश के लिए कोई प्लान नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपने लगातार दो कार्यकालों की उपलब्धियां गिनाई और कहा कि विरोधी चाहे कितनी कोशिश कर ले, हिलेरी अपने रास्ते पर अड़ी रहने वाली महिला है और अमेरिका के हित के लिए ही काम करेंगी। पहलवान नरसिंह यादव दूसरे डोप टेस्ट में भी फेल हो गए हैं। राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी में गुरुवार को भी डोपिंग मामले की सुनवाई होनी है। वहीं सूत्र बताते हैं कि नरसिंह के रियो जाने के आसार कम है। नाडा ने मामले में साजिश किए जाने के आरोपों पर बुधवार को नरसिंह का पक्ष सुना और इस फैसले को गुरुवार तक के लिए टाल दिया। नरसिंह के दूसरे डोप टेस्ट में फेल होने की रिपोर्ट और नाडा में सुनवाई के बीच एक्सपर्ट्स का मत है कि प्रतिबंधित स्टेरॉइड का एक बार सेवन करने पर यह कई हफ्तों तक शरीर में पाया जा सकता है। वहीं नरसिंह यादव के डोप टेस्ट से जुड़े विवाद में पहलवान सुशील कुमार का नाम सामने आने के बाद उनके कोच सतपाल सिंह ने नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि नरसिंह यादव ने सुशील पर साजिश के जो आरोप लगाए हैं वो गलत है, नरसिंह का नार्को किया जाना चाहिए। सतपाल ने कहा कि इस मामले की जांच के लिए नरसिंह यादव का नार्को टेस्ट करवाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इस बुलेटिन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए A1 न्यूज, क्योंकि हम करते हैं खबरों की पड़ताल तह से तह तक। धन्यवाद।